16,118 में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। अभी न्यूज में बहुत दिनों से 3-4 दिन हो गए, 5 दिन बड़ा तेजी से एकदम वायरल हो रही है एक वीडियो। एक आप जानते हैं कथावाचक हैं दो लोग और दोनों संत हैं और खास करके प्रेमानंद महाराज जी इस समय जो आपके मथुरा में बैठते हैं और उनका एक अपना फैन फॉलोइंग है और उनके पीछे बहुत सारे लॉजिक भी है कि उन्हें लोग क्या फॉलो करते हैं। और दूसरे एक प्रवीण मिश्रा करके हैं जो कथावाचक हैं बेसिकली वो पूरी तरीके से। तो इनके दोनों के बीच में एक विवाद आया है। आपने देखा होगा प्रेमानंद महाराज हमेशा किशोरी जू और राधा जी की बात करते हैं और हमेशा उनकी बात करते हैं और उनके पीछे दो चीज लॉजिक है। मतलब वो किसी की भी आराधना करते हैं, मानते हैं, वो तो उनका पर्सनल व्यू है। और इसके साथ साथ जो उनके लोग फॉलो क्यों करते हैं, क्योंकि वो 99% जो चीज़ें अलग, जो साधुओं से अलग चीज़ें वो बोलते हैं, अलग संतों से बोलते हैं। ये होता है वो चीज़ जब व्यक्ति समझदार प्रैक्टिकली चलता है लाइफ में। वैसा उनका कभी स्टेटमेंट ये नहीं आता कि आप दवा नहीं कराओ, अंधविश्वास पे जाओ और कभी कहीं भूत का कभी, वो कहते ये सब चीज़ें होती नहीं, वो सब चीज़ों को नहीं मानते हैं भाई कि ऐसा है कि नचा रहे हैं भूत या नाच रहा है कुछ ऐसा। दवा नहीं कराओ, भभूती से ठीक हो जाएगा, राख लगा लो, चंदन लगा लो, ठीक हो जाएगा। तो वो हमेशा कहते हैं बी प्रैक्टिकल और आप अच्छे कर्म करने की कोशिश करिए, अपना पूरा 100% अपना योगदान दीजिए और चीज़ें। तो वो जहाँ तक लोगों को है ना वो सच्चाई से अवेयर करा रहे हैं। जहाँ एक तरफ साधुओं की भीड़ लगी हुई है जो उसकी तरफ भाग रहा है अंधविश्वास की तरफ, और क्योंकि हमारे देश का एक बड़ा अजीब फंडा है हमारे यहाँ। एक तो हमारे यहाँ जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल जो भी आप संविधान में जाएं, आर्टिकल 19, आर्टिकल 23, आर्टिकल 25, आर्टिकल 28, आर्टिकल 29, कहीं भी आप जाइए, आर्टिकल 14 से लेके कहीं भी फंडामेंटल राइट्स में खास करके जाइए आप, तो हमारे देश में क्या है इसका? इसका लेना है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप धर्म के बारे में भी कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, लोग कितने उसके थ्रू लोगों को कितना नुकसान हो रहा है, लोगों को हम कैसे, अभी हमने पहले बहुत सारे केसेस देखे हैं, चाहे आसाराम बापू का केस हो, चाहे राम रहीम का केस हो, चाहे किसी का, तो हम लोग आसानी से अंधविश्वास पर फिर चले जाते हैं। इसके पीछे भी बड़े लॉजिक्स है। लॉजिक ये है कि हम लोग जब भी परेशानी में आते हैं तो हम किसी ना किसी को अपना बना लेते हैं कि भाई ये मेरी परेशानी दूर कर देगा, उसके लिए वो उसका फ़ायदा उठाता है उस चीज़। लेकिन ये चीज़ उनमें प्रेमानंद महाराज में ये नहीं है, एक रुपया किसी से लेते नहीं है, उनके लिए सारे पर्सन बराबर। तो इस वजह से उनकी जो फैन फॉलोइंग है लोगों के बीच में, एक जो ट्रस्ट है, वो लोगों को लगता है ये चीज़ यार ये आदमी जेन्युइन आदमी है और चीज़ें ठीक हो रही हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरी तरफ जो प्रवीण मिश्रा का है, उन्होंने, वो कथावाचक हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते होंगे और प्रेमानंद महाराज जी भी ने अपनी किताबें पढ़ी होंगी बहुत सारी, और क्योंकि धर्म से जुड़े हैं, धार्मिक आध्यात्मिक किताबें हैं, धर्म की किताबें हैं, ये लोग पढ़ते हैं, उससे ही अपनी जो चीज़ें हैं लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। धर्म क्या कहते हैं कि आप सही रास्ते पर चलो, आप सही काम करो, आप सही गलत किसी के साथ ना करो, और कैसे कैसे जीवन जीने का एक तरीके से जो हमारी धार्मिक किताबें होती हैं, दैट इज़ द मैनुअल ऑफ द लाइफ। लाइफ की क्या एक मैनुअल है कि कैसे, हाउ टू ड्राइव है, तो कैसे आपको चलाना है अपनी लाइफ को, कैसे क्या करना है। जैसे आप कोई कार लेके आते हो और उसको आप चलाओ, तो आप क्या करते हो, उसके लिए मैनुअल होता है। जैसे हमने कोई सामान मंगाया, मान लो कि हमने डिजिटल बोर्ड या कुछ ऐसा पढ़ाने की चीज़ या कोई ऐसी मैंने चीज़ मंगाई, तो उसके पीछे एक मैनुअल होता है कि भाई ऐसे ऐसे इसका सेटअप होगा और ये चीज़ें करनी होंगी, जिससे ऐसे आपका फिर इसके बाद काम ऐसे होने लगेगा। तो सेम ये क्या है, जैसे गीता है, गीता को बहुत लोग कहते हैं कि मैनुअल है, लाइफ जीने का एक ढंग है, ये कैसे लोग, और ये हर चीज़, और जिसने भी लिखता है, जो भी कोई किताब लिखता है, जो भी कोई ऐसी बुक है, ग्रंथ है हमारे, वो यही बताते हैं कि लोगों को कैसे हम चीज़ों को सही रास्ते पर ला पाए, कभी लड़ाई दंगा ये सब चीज़ें नहीं करते हैं। अब वहीं पर प्रवीण मिश्रा जो विवाद है बीच में, वो विवाद ये है कि प्रवीण जी मिश्रा जी, जो मिश्रा जी हैं कथावाचक, उन्होंने कहा है कि राधा का नाम कहीं उनके साथ नहीं जुड़ा है, ये एक
एक पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए काम किया जा रहा है, राधा का कोई ऐसा वो नहीं है और उसमें नाम लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ कृष्ण है, कृष्ण के साथ राधा से कहीं किसी उसमें मेंशन नहीं है, इन चीज़ों को लेकर जैसा मैंने न्यूज़ में सुना और उनकी थोड़ा सा एक कथा चल रही, थोड़ा सा दिखाया गया कथा में कि ऐसा नाम लेकर। तो एक मेरा जो मानना है, जो आप लोग भी देखे होंगे पहले, कि मीरा राधा की दीवानी थी, राधा भी और मीरा सॉरी कृष्ण की दीवानी, राधा भी दीवानी रही। तो बेसिकली हमारा जो एक जो कहीं नाम देखो, राधा रानी, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, अगर ये कहीं मेंशन नहीं है तो हमारे बीच में कैसे घूम रहा है, सिंपल सी बात है। और इसके लिए प्रेमानंद महाराज जी ने कुछ प्रूफ भी दिए हैं अपने। तो मेरा मानना है कि ठीक है, लेकिन पब्लिक को एक इंटरेस्ट इस चीज़ से, धार्मिक की अगर धार्मिक जो आध्यात्मिक लोग हैं उनको इस चीज़ पर अध्ययन करना चाहिए, समझना चाहिए, लोगों के बीच में वो लाना चाहिए चीज़ों को। कोई ऐसा एक दो पर्सन, बहुत सारे हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक टीचर हैं जो उस चीज़ को पढ़ते हैं, कथा सुनाते हैं, कथावाचक हैं। तो मेरा मानना है कि अगर वो वहाँ से उन सभी को निकाल के कंक्लूजन को लेके आए कि रियल में क्या चीज़ है, तो इससे दो चीज़ें हो जाएंगी कि ये तो गुरुओं का मामला है, आपस में सॉर्ट आउट हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। लेकिन जो एक भ्रांति है, जो लोगों के बीच में एक कंफ्यूजन पैदा होता है, वो कहीं ना कहीं एकदम क्लियर हो जाएगा कंफ्यूजन, कि भाई ये कंफ्यूजन था और ये इस बुक में ऐसे ऐसी चीज़ें मेंशन हैं। और क्योंकि जैसे कि हर एक व्यक्ति किसी न किसी से जुड़ा हुआ है, और इससे क्या होता है, आपकी सोसाइटी का भी फर्क पड़ता है। सोसाइटी में पॉजिटिव निगेटिव वाइब्स जाती हैं, सोसाइटी इसके बारे में सोचती है क्या इथिकल है अनएथिकल है किसी के बारे में, क्योंकि सोसाइटी इसके बारे में अब अलग अलग भ्रांतियाँ फैलना शुरू होती हैं, अलग अलग चीज़ें बनना शुरू होती हैं, इसके पॉजिटिव क्या होंगे, इसके निगेटिव क्या होंगे, उसके फर्क हो सकता है कि आपस में उनके फॉलोअर्स लड़ना शुरू कर दें, आपस में एक दूसरे की प्रॉब्लम क्रिएट होने शुरू हो जाएगी। तो इससे बेहतर है कि उसको लेकर एक सही चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, लाना चाहिए, दिखाना चाहिए। तो इन चीज़ों पर हमारे जो जैसे कि एक कोई बहुत सारे बापू, मुरारी बापू हैं आजकल, कुमार विश्वास जी कथावाचक हैं, तो ऐसे लोग हैं जो विद्वान हैं, इस चीज़ के पढ़ते हैं, इस चीज़ में लोगों के बीच में जाते हैं और लोग इन्हें बहुत फॉलो भी करते हैं। तो इन्हें इस चीज़ को क्लेरिफाई करना होगा कि जिससे लोगों के बीच में आपस में एक आध्यात्मिक द्वंद्व ना हो, आध्यात्मिक वैल्यूज़ ना खराब हो, और आपस में जैसा चल रहा था वैसे ऐसा ना हो कल के दिन एक धार्मिक स्थल धीरे 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 किसी और में तब्दील होना शुरू हो जाए, कोई और चीज़ें नुकसान बनना शुरू हो जाए। तो हमें लगता है कि इस चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। तो यही है, और बाकी गुरु ये जो है अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल है सभी को। और मेरा मानना है कि अब देखो, क्योंकि थोड़ा एक और जुड़ जाता है कि प्रेमानंद महाराज जी की दोनों किडनी खराब है, फिर भी जिंदा है और चल रहा है इलाज में, और उन्होंने दिखाया भी है कई बार सच्चाई अपनी। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में आता है कि कुछ तो ऐसी दैवी शक्तियाँ हैं जो ऐसे काम कर रही हैं और जिंदा हैं अच्छे से, सो वो हो सकता है ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। ओके।